चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि इसके पहले हमने वायुमंडल पर बातचीत किया गया था और वायुमंडल में हमने वायुमंडल के संगठन और वायुमंडल की संरचना जहां पे ऊंचाई के साथ हमने ये देखा था तापमान कहां पे बढ़ता है कहां पे घटता है और साथ ही साथ ये देखा था कि वायुमंडल हमारे में पाई जाने वाली गैसें किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। कोई जीव को यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से प्रोटीन का निर्माण करती है, जीव में ऊर्जा का यहाँ पे विकास करती है, कुछ इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण रूप से अपने वायुमंडल की संरचना को और उसके यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से वितरण को देखा था। उसी के बचे हुए छोटे से अंश के साथ मैं पुनः मुलाकात कर रहा हूँ जहाँ पे आज महत्वपूर्ण रूप से हम देखेंगे सौर विकिरण और सूर्यातप, जहाँ से एक प्रश्न बनने की सीधी उम्मीद होती है तो बहुत छोटा सा टॉपिक और अधिकतर इसको न तो पढ़ा जाता है न तो पढ़ाया जाता है न प्रैक्टिस में जल्दी कहीं मिलता है ना तो किताबों में जो टेट के लिए स्पेशली बनी होती है, लेकिन इसे एक नंबर की पूरी संभावना बनी रहती है। जैसा कि बातचीत किया गया था कि आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा तो साहब थोड़ी सी घुमाने का जरूर प्रयास करेगा, तो इसलिए हम उन बारीक बिंदुओं पर भी अवश्य ध्यान रखेंगे ताकि हमारे कहीं से कोई भी चूक होने की कोई चांस ना हो। आइए इस महत्वपूर्ण क्लास में हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं आपको सौर विकिरण की ओर। दोस्त जब सौर विकिरण की बात करेंगे सबसे पहला बिंदु देखिए हमने उसकी परिभाषाओं के तौर पे सजाया हुआ है, क्या कह रहा है कि सूर्य अंतरिक्ष में निरंतर ऊष्मा विकिरित, विकिरित का मतलब होता फैलाना, मतलब सूर्य अंतरिक्ष में अर्थात अपने जिस परिप्रेक्ष्य में वह है निरंतर अपनी ऊष्मा निरंतर अपने तापमान को बाहर की ओर फैला रहा है, अपने केंद्र से सतह से होते हुए दूर की ओर वो आगे की ओर बढ़ा रहा है और सूर्य के द्वारा यही प्रसारित की गई जो विकिरण होगी या सूर्य के द्वारा प्रसारित की गई ये ऊष्मा जो होती है हमारा सौर विकिरण कहलाएगी। बहुत ही स्पष्ट सी बात, सूर्य की ऊष्मा का चारों ओर फैलना क्या कहलाएगा, सौर विकिरण कहलाएगा, एकदम स्पष्ट सी बात रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं और मोमबत्ती का प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है तो उस मोमबत्ती के द्वारा फैलाया गया विकिरण या मोमबत्ती का विकिरण कहलाएगा, जब ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में सूर्य जब अपनी ऊष्मा को सूर्य अपने इस प्रकाश को फैलाता है वह हमारा कहलाएगा क्या, दैट इज सोलर रेडिएशन कहलाएगा या ये कहलाएगा सौर विकिरण। आइए साहब सेकेंड बिंदु के तहत बातचीत करते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है कि ये जो ऊष्मा फैलती है क्यों फैल रही है, इसके पीछे कारण क्या है। बहुत स्पष्ट सी बातों यहाँ पे कर की जाएगी कि सूर्य के केंद्र में दो हाइड्रोजन, ये देखिएगा हम बात करेंगे कि H2+H2 बराबर हो गया कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और दूसरे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं जब ये आपस में संयोजित होते हैं तो ये हीलियम में बदल जाते हैं और इससे सूर्य के केंद्र में तापमान या ताप या ऊष्मा की यहाँ पे उत्पत्ति होती है और ये ऊष्मा केंद्र में होती है इसलिए केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके सतह की ओर अर्थात जैसे ये सूर्य है तो केंद्र का तापमान 15 मिलियन हो गया, जब हम इधर सतह की ओर जाएंगे तो सतह की ओर इसका तापमान थोड़ा कम हो जाता है और वहां पे हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्र का तापमान 15 मिलियन और इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री। आगे की ओर तीसरे बिंदु पे बात करेंगे कि पृथ्वी को कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहां पे देखिएगा कि पृथ्वी को कुल सौर ऊर्जा का केवल 2/1 भाग प्राप्त होता है और इसी 2/1 भाग के प्राप्त होने से पृथ्वी पे समस्त मौसम संबंधी घटनाएं समस्त प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं, कह रहा है कि सौर विकिरण प्रकाश की वेग अर्थात जो सूर्य के द्वारा ऊष्मा प्रसारित या फैलाया जाता है यह ऊष्मा यह प्रसारित होने वाला ताप
प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपको कंफर्म किया था कि प्रकाश की चाल है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सौर विकिरण प्रकाश की वेग 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से पृथ्वी पे पहुंचती है। आइए प्रश्न के फॉर्मेट में इसको देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सौर विकिरण से तात्पर्य है तो सूर्य की विकिरित होने वाली ऊष्मा, सौर विकिरण से तात्पर्य है सौर के द्वारा, सूर्य के द्वारा विकिरित होने वाली ऊष्मा या विकिरित ऊष्मा ही सौर विकिरण कहलाती है। प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान कितना है तो 6,000 डिग्री सेल्सियस है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त करता है तो ये 2/1 भाग प्राप्त करता है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ सौर विकिरण की गति कितनी है, इसकी वेग कितनी होती है तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड किसकी होती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की वेग भी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्त यहाँ पे हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि सौर विकिरण को टेट के लेवल पे अर्थात यूपी टीईटी के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो यहाँ पे हमने स्पष्ट किया। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट करके आप इसको तैयार रखेंगे। अब हम आएंगे इसी के परिप्रेक्ष्य में, हम देखेंगे दूसरा बिंदु, और दूसरा बिंदु है सूर्यातप। साहब देखिएगा, सबसे पहले कुछ सामान्य सी बातें लिखी गई हैं कि पृथ्वी तथा उसके समस्त वायुमंडल का के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो पृथ्वी और उसके समस्त वायुमंडल के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। और ये बात परितंत्र के लिए भी मायने रखता है कि अगर पूछता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, कहता है कि मैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, और अगर ऑप्शन में सूर्य दिख जाए आंख मूंद के आपको लगाना होगा सूर्य। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सूर्य से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकिरित अर्थात फैलती रहती है। इन्हीं फैलती हुई ऊष्मा को ही हम सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप क्या है, एक लाइन में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा के ताप को हम सूर्यातप बोलते हैं, सूर्यताप कहते हैं। इंसुलेशन तीन शब्दों से बना है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और इस ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त नाम क्या है, आइसोलेशन है। और अगर हिंदी में पूछता है कि सूर्यातप की हिंदी क्या होगी या सूर्यातप निम्नलिखित में से है तो प्रवेशी सौर विकिरण सूर्यातप का पूरा नाम है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा साहब कह रहा है कि पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप का प्रभाव होता है या सूर्य के सूर्यातप का पृथ्वी पर प्रभाव होता है एक समान होता है, असमान होता है, अपरिवर्तित होता है, स्थिर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समान नहीं होता है, अर्थात भूमध्य रेखा पर सूर्य की ऊष्मा अधिक होती है। क्यों, क्योंकि याद करिए उष्ण कटिबंध मैंने पढ़ाया था तो वहां पे आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा था कि उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में जो कि हमारा कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में है, पे सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार अवश्य सर के ऊपर चमकती है। अतः यह भाग सूर्य से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, और अगर ये सूर्य से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त करता है तो भूमध्य रेखा पर सूर्यातप की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फिर कह रहा है कि ध्रुवों की ओर यह कम हो जाता है,
क्यों? याद करिए, शीत कटिबंध बताया था कि सूर्य की किरणें क्षैतिज हो जाती हैं जहां पे उष्मा का प्रभाव ना के बराबर होता है। तो अगर पृथ्वी के किसी भाग पे सूर्य की उष्मा का प्रभाव ना के बराबर हो जाएगा तो वहां पे हमारा सूर्या तब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा कि वायुमंडल की बाहरी सीमा सूर्य से प्रति मिनट वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रश्न है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से ये अंडरलाइन रखिएगा, प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊर्जा कहां? वायुमंडल की बाह्य सीमा प्राप्त करती है। तो यहां पे दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये हमारा वायुमंडल का बचा हुआ कुछ अंश था। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।